एसी, कूलर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, मोबाइल सब मौजूद है अंबेडकर चौराहे के सामने, पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, सभी प्रोडक्ट वो भी रीजनेबल रेट पर, एक बार जरूर विजिट करें। खंडवा के मोगट थाने में मुस्लिम समुदाय के युवा आज एक दो युवकों को मोगट थाने लेकर पहुंचे। दरअसल मुस्लिम समुदाय के युवकों का ये आरोप था कि ये दोनों जो लड़के हैं जिन्हें वो थाने लेकर पहुंचे थे, उनकी एक परिवार की बच्ची के साथ छेड़खानी कर रहे थे और बच्ची का फ़ोन आने पर युवकों को पकड़कर थाने लाया गया। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में हिंदू संगठन भी एक्टिव हो गए हैं, मुस्लिम समुदाय के मौजूद लोग भी CSP खंडवा पूनम चंद्र यादव से मिले, मोगट थाना प्रभारी से मिले, हिंदू संगठन के लोग भी एक्टिव होकर इस मामले में बैकएंड पर एक्टिव थे और उन्होंने भी पुलिस से बात की। कुल मिलाकर इसमें जो कहानी निकल कर आ रही है, मुस्लिम समुदाय के युवकों का आरोप है कि उनकी बच्ची के साथ गैर मुस्लिम युवकों द्वारा छेड़खानी की गई, और जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उनका ये कहना है कि बच्ची उस लड़की के साथ, वो दोनों लड़के एक बर्थडे पार्टी के को लेकर बैठे हुए थे और कुछ खा पी रहे थे। इस दौरान आनंद नगर क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट में जब वो बैठे थे तो मुस्लिम समुदाय के कुछ युवक वहाँ आए, लड़कों को उन्होंने रेस्टोरेंट के नीचे बुलाया, पहले वहाँ पिटाई की, फिर नागचुन रोड पर एक कॉलोनी में ले गए, वहाँ पर उन्हें दो घंटे बिठा कर रखा, उनकी पिटाई की गई, उन्हें बंधक बनाया। इस तरह के आरोप हिंदू पक्ष के हैं। बहरहाल दोनों पक्ष के अपने अपने आरोप हैं। फिलहाल पुलिस इस कहानी को समझ रही है, दोनों पक्षों के आरोपों की जाँच कर रही है और फिलहाल मोगट पर जो बच्ची है उसके परिजन हैं, लड़के के परिजन भी हैं, हिंदू संगठन के लोग भी एक्टिव हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग भी एक्टिव हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के की बातें सुनकर जो भी न्याय उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। फिलहाल मोगट थाने के बाहर शांति है। ये जो वीडियो है, क्योंकि 3 घंटे से हम इस खबर को लेकर एक्टिव हैं, परंतु अभी क्योंकि ऑफिशियल रूप से बच्ची वाली तरफ से FIR नहीं हुई, लड़के वाली तरफ से FIR नहीं हुई, ऐसे में अभी खबर टेक्निकल रूप से पुलिस की स्टोरी, पुलिस की FIR के बगैर अधूरी है, परंतु अभी तक का जो अपडेट है वो आपको इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि इस खबर को लेकर बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे। ये अभी तक का अपडेट है कि पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की जाँच कर आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। गर्मी को जाए भूल, क्योंकि ऑफर है बहुत कूल। जी हाँ, पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक लेकर आए हैं डाइकिन, हिताची जैसे मल्टीनेशनल कंपनियों के AC, फ्रिज, कूलर, इन्वर्टर, बैटरी, मोबाइल और सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बाजार में सबसे कम दामों में। साथ ही साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार जरूर विजिट करें अथवा दिए गए नंबर पर संपर्क करें।